दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कीप विट प्रो। चेक वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम करेंगे क्विक कंपैरिजन तीन ऐसे फोन्स का जो कि ऑफलाइन मार्केट वाले फोन्स हैं। और फिलहाल ये कंपैरिजन इन तीन फोन्स में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तीनों फोन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आते हैं और ये आ रहे हैं अलग अलग कंपनी की तरफ से। पहला फोन जो यहाँ पे है हमारे पास वो है ओप्पो की तरफ से, जिसका नाम है ओप्पो F1S। दूसरा जो फोन है वो है जियोनी की तरफ से, जिसका नाम है जियोनी S6S। और तीसरा जो फोन है हमारे पास वो है वीवो की तरफ से, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और तीसरे फोन का नाम है Vivo V5। तो देखा जाए तो इन तीनों डिवाइसेस के अंदर प्राइस के हिसाब से हार्डवेयर भी काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर के मामले में ओप्पो और वीवो दोनों ही सेम हार्डवेयर के साथ आते हैं, जो कि नया चिपसेट है मीडियाटेक 6750, जो कि एक ऑक्टाकोर सीपीयू है 1.5 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। और अगर हम इन दोनों फोन को कंपेयर करें इस फोन के साथ जो कि जियोनी की तरफ से है, जियोनी S6S, इसमें मिलता है आपको 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू, जो कि अगेन मीडियाटेक की तरफ से है, लेकिन ये मीडियाटेक 6753 है, जबकि इन दोनों में मीडियाटेक 6750 है। देखा जाए तो चिपसेट काफी कुछ आसपास हैं ओवरऑल जनरेशन के हिसाब से, लेकिन ये एक और अफोर्डेबल चिपसेट है जो कि इन दोनों डिवाइसेस में आपको देखने को मिलता है, जबकि इस डिवाइस में आपको थोड़ा सा पावरफुल चिपसेट मिल रहा है। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस डिवाइस में जो जीपीयू है वो आपको क्वाड कोर जीपीयू मिलता है, जो कि मालिक की तरफ से आता है, जबकि एक फास्टर जनरेशन या फिर एक हायर जनरेशन जीपीयू जो है इन दोनों डिवाइसेस में दिया गया है, लेकिन वो डुअल कोर जीपीयू है। और साथ ही साथ जो हार्डवेयर जियोनी S6S में है उसमें हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट जो है वो फुल HD का है, यानी कि जियोनी S6S में आपको फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जबकि ओप्पो F1S और साथ ही साथ वीवो V5 में दोनों में आपको 720p डिस्प्ले मिलता है, क्योंकि जो हार्डवेयर यहाँ पे है वो थोड़ा सा बजट हार्डवेयर है। अगर आप कंपेयर करेंगे जियोनी S6S के हिसाब से तो परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिले हैं, हमने इन तीनों फोन्स को यूज करके देखा है, तो परफॉर्मेंस के मामले में जियोनी S6S बेटर परफॉर्म कर रहा है गेमिंग वगैरह में, डे टू डे यूसेज में, हैवी मल्टीटास्किंग में जियोनी S6S जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है, जबकि ओप्पो F1S और साथ साथ वीवो V5 जो है वो कम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना जियोनी S6S परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं इन फोन्स की बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, तो डिजाइन के हिसाब से देखें तो आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि जियोनी S6S में यहाँ पे आपको मेटल मिलता है, यहाँ पे ओप्पो F1S में भी आपको मेटल मिलता है पीछे की तरफ यहाँ पे, और कुछ ऊपर और नीचे प्लास्टिक के पार्ट्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें वीवो V5 की तो वीवो V5 में यहाँ पे जो प्लास्टिक जैसे क्वालिटी वाला मटेरियल है इसमें एक मेटल कोटिंग दी गई है, क्योंकि इसको हमने स्क्रैच करके देखा है यहाँ पे, और स्क्रैच करके देखने के बाद ये पता चला है कि एक मेटल की लेयर जो है इस प्लास्टिक के जो बैक कवर है इसके ऊपर दी गई है, तो ये पूरी तरह से प्लास्टिक नहीं कह सकते, एक मेटल की लेयर यहाँ पे दी गई है, जबकि पीछे की तरफ ओप्पो F1S में पूरा एक मेटल की शीट है और यहाँ जियोनी S6S में भी एक पूरी मेटल की शीट है। अब हम बात करें ओवरऑल फोन्स के फॉर्म फैक्टर के हिसाब से तो तीनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, बहुत ज्यादा बड़े या छोटे नहीं है एक दूसरे से, ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, लेकिन इन सब में थोड़ा लंबा फोन जो है वो जियोनी S6S है, जो कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है इन दोनों फोन से। हालांकि वेट के मामले में तीनों ही फोन एक जैसे हैं, वेट के मामले में भी काफी कुछ आसपास हैं। अब बात करते हैं इनके कैमरास की, तो 30 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आपको जियोनी S6S में, इसी तरह से 30 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आपको यहाँ पे वीवो V5 में, और ओप्पो F1S में भी आपको 30 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो कैमरा के हिसाब से देखें अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो फ्रंट कैमरा की जो परफॉर्मेंस है सबसे बढ़िया जो है वीवो V5 की आ रही है। फ्रंट कैमरा की जो सेल्फी हमने लेके देखी है यहाँ पे वो वीवो V5 की सेल्फी सबसे बेहतर है। ये एक सेल्फी आप देख सकते हैं जो कि डे लाइट में ली गई है, और ये डे लाइट में ली हुई सेल्फी काफी क्लियर दिख रही है, कलर्स के मामले में काफी अच्छी दिख रही है। अगर आप इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो आपको साफ पता लग जाएगा जो कलर्स हैं यहाँ पे वो थोड़े आर्टिफिशियल दिख रहे हैं, जो कि ओप्पो के डिवाइस में दिख रहे हैं, ओप्पो F1S जो कि ये वाला है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो डिवाइस है वो वीवो का है। और अगर आप इसे क्लोजली देखेंगे तो आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि कलर्स जो हैं इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हालांकि डिटेल्स दोनों ही फ्रंट कैमरा की सेल्फीज में अच्छी आई हैं। अब हम कंपेयर करें अगर फ्रंट कैमरा सेल्फी को इस फोन के साथ, तो इस फोन की फ्रंट कैमरा सेल्फी भी अच्छी आई है। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया सेल्फी जो
आप ले सकते हैं, वो ले सकते हैं वीवो वी फाइव से। उसके बाद अच्छी सेल्फी आप ले सकते हैं यहाँ पे जियोनी S6S से। और उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा सेल्फी के मामले में ओप्पो F1S को। तो यहाँ पे सेल्फी के मामले में इस तरह से कंपैरिजन होता है। अगर हम रियर कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा में भी जो भी फोटोज हमने ओप्पो में लिए हैं तो वो ओवर सैचुरेटेड आ रहे हैं कलर्स के मामले में। नेचुरल कलर्स आपको ओप्पो के फोटोज में नहीं देखने को मिलेंगे जो आप रियर कैमरा से लेंगे। रियर कैमरा की फोटोज अगर देखा जाए, हम कंपेयर करें जियोनी S6S और साथ साथ वीवो V5 को, तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आ रहे हैं। रियर कैमरा दोनों का ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इक्वली वेल है। हालांकि बहुत क्लैरिटी नहीं मिल रही है लो लाइट शॉट्स में, लो लाइट शॉट्स में थोड़ा सा नॉइज है और वो नॉइज आपको तीनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलेगा अगर आप रियर कैमरा से फोटो लेते हैं। फ्रंट कैमरा में सबसे अच्छी सेल्फीज आपको यहाँ पे मिलती हैं वीवो V5 में, और साथ ही साथ इसमें फ्रंट कैमरा में फ्लैश भी दिया गया है। और अगर हम फ्रंट कैमरा की सेल्फीज कंपेयर करें इन दोनों डिवाइसेस की, जो कि जियोनी S6S है और ओप्पो F1 है, तो ओवरऑल देखा जाए तो फ्रंट कैमरा सेल्फी जो है जियोनी S6S की बेहतर दिख रही हैं, क्योंकि उसमें अगेन कलर्स वगैरह बेहतर नॉर्मल नेचुरल दिख रहे हैं, जबकि ओवर सैचुरेटेड कलर्स दिखते हैं आपको ओप्पो F1S में अगर आप फ्रंट कैमरा से सेल्फी लेते हैं। और इसी तरह से अगर हम लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो लो लाइट कैमरा की परफॉर्मेंस के अंदर जियोनी S6S सबसे आगे है। लो लाइट की फोटोज अच्छी दिख रही हैं यहाँ पे, क्लियर दिख रही हैं, नॉइस कम है, कलर्स भी नेचुरल हैं। कि वीवो V5 में आपको रियर कैमरा की जो फोटोज हैं वो अच्छी दिख रही हैं, हालांकि उनमें नॉइस है, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे ओप्पो F1S से वीवो V5 को, तो रियर कैमरा जो है आपका वीवो V5 का बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिसमें कम नॉइज है, कलर्स भी अच्छे दिख रहे हैं और फोटो भी ब्राइट है। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों डिवाइसेस को जियोनी S6S से, तो जियोनी S6S का जो रियर कैमरा है लो लाइट में वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको वीवो V5 मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो रियर कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस के हिसाब से जियोनी S6S और वीवो V5 ऑलमोस्ट इक्वल है, जबकि फ्रंट कैमरा में वीवो V5 जियोनी S6S से बेहतर है। फाइनली वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर मैं इन तीनों डिवाइसेस को रेट करूं तो तीनों डिवाइसेस में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो आपको मिलेगी, सबसे अच्छा डिस्प्ले जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जियोनी S6S में, जो कि एक बेहतर चीज है अगर आप इन दोनों से कंपेयर करें। साथ ही साथ जियोनी S6S के अंदर आपको फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जबकि इन दोनों डिवाइसेस में आपको 720p डिस्प्ले मिलता है। और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर हम कैमरा की बात करें तो कैमरा में यहाँ पे फ्रंट कैमरा थोड़ा कम है वीवो V5 से, लेकिन रियर कैमरा वीवो V5 के इक्वल है बिल्कुल। तो यहाँ पे कैमरा के हिसाब से कंपेयर करें तो जियोनी S6S मेरे हिसाब से फ्रंट कैमरा में थोड़ा कम है, लेकिन रियर कैमरा में अच्छा है। और रियर कैमरा होने के साथ साथ इसमें आपको एक बेहतर GPU मिलता है, जो कि इन दोनों डिवाइसेस के GPU से बेहतर है। और ओवरऑल डे टू डे यूसेज और परफॉर्मेंस में आपको जियोनी S6S बेहतर वैल्यू फॉर मनी देता है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे रहेगा वीवो V5, जो कि अच्छे फ्रंट कैमरा के साथ आता है। तो अगर आपका सेल्फी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस है तो आप इस डिवाइस को ले सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज आपको थोड़ा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस डिवाइस की फ्रंट कैमरा सेल्फी अच्छी है, जबकि रियर कैमरा की फोटोज ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं जियोनी S6S के साथ। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे रहेगा ओप्पो F1S। तो फिलहाल इस क्विक कंपैरिजन में सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने कोशिश की है आपको बताने की कि इन तीनों डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस आपके लिए बेहतर है। ये तीनों ही डिवाइसेस ऑफलाइन मार्केट के लिए बने हैं, इसका मतलब है कि इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर आप इनको कंपेयर करेंगे ऑनलाइन डिवाइसेस से जो कि ऑनलाइन मिलते हैं, उनके हिसाब से ये डिवाइसेस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास ऑफलाइन लेने का ही ऑप्शन है और ऑनलाइन वो फोन्स नहीं खरीद सकते हैं, ये तीन डिवाइसेस आपको मार्केट में मिलेंगे तकरीबन 17,000 से 18,000 रुपये में। और 17,000 से 18,000 रुपये में कौन सा डिवाइस किस तरह से अच्छा है और बुरा है वो हमने आपको इस वीडियो में बता ही दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। दोनों ही बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।